गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का दूसरा दिन है एंड मैंने पूजा पाठ कर लिया। सुबह निकी जी टाइम से ऑफिस चले गए थे 5 बजे, तो 6 बजे से उनका ऑफिस था। मैं प्रसाद खा रही हूँ और पूजा मैंने कर ली है। यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है एंड अब मुझे ऐसे लग रहा है मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, क्योंकि अभी 8:30 हो रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है क्या करूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो आज मेरा फास्ट नहीं है, पहला फास्ट रखा था और अभी दूध भी रखा हुआ है मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए, क्योंकि कल दूध भी ख़त्म हो गया था। सो बस अभी बैठती हूँ, थोड़ी देर में फिर नाश्ता वगैरह करूँगी और मिश्री खाती हूँ। गाइस ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, सॉस मैंने अभी डाला नहीं है और यहाँ पे है सैंडविच और चाय। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं दिन में। और हम ना बहुत टाइम से ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं ना तो अब वो स्वाद नहीं आता। पहले मुझे वाइट ब्रेड बहुत टेस्टी लगती थी। नाश्ता कर लेते हो, सैंडविच, भूख इतनी लग रही थी। पूजा करने के बाद ना मुझे इतनी जल्दी भूख लगने लग जाती है, मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती। कल पता नहीं मैं कैसा पूरे दिन भूखी थी, कल मैंने फल भी नहीं खाया यार, हैरानी हो रही है मुझे अपने आप पर। तो चलो मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस आज दिन के खाने में बनाया है कढ़ी पकौड़ा, पर ये वाली जो कढ़ी है ना ये पालक की है, सो इसमें पालक भी डाला है, तो ये पालक कढ़ी है। सो ये बना है दिन के लिए एंड फिलहाल मैं जा रही हूँ कपड़े धोने डालने के लिए। लाइट पंखा बंद कर देते हैं इधर, फालतू में क्यों खोल रहे हैं शेट, फालतू में खोलने के बोलने के चक्कर में मैंने यहाँ की लाइट भी खोली हुई थी ये वाली, इसको भी बंद कर देती हूँ। इतना फ्री हूँ ना पहली बार लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुबह टाइम से पूजा भी कर ली थी और मैं अभी फ्री भी बहुत हूँ। सो कपड़े डाल दिए धोने के लिए, अब बस कोई सीरीज ढूंढती हूँ या तो देखने के लिए। एंड बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बाहर बहुत ही तपती हुई धूप है और कीर्तन की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, तो कभी किसी के घर कभी किसी के घर कीर्तन की आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी, अगर व्लॉग में सुनाई दे रही है तो। गाइस मैंने यहाँ पे दिन का लंच खाना शुरू कर दिया था। सो यहाँ पे है पालक कढ़ी, क्योंकि नेगी जी खाना खाकर आएंगे ऑफिस से, उन्होंने खा लिया है कढ़ी चावल। सो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ अपना दिन का लंच, क्योंकि 2:30 हो गए, मतलब 2:30 बज गए हैं एंड इस टाइम खाना खाना ज़रूरी है। सो मैं अभी चावल नहीं खा रही हूँ दिन में, मैंने सोचा 2 पराठे ही बना लेती हूँ, वही खा लेती हूँ। सो कढ़ी पकौड़ा इतना टेस्टी हो रहा है ना पालक वाला, यम्मी। अगर आप लोगों का कभी ना कढ़ी वैसे खाने का मन नहीं होता है तो आप पालक डालिए, इसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज ये बिना लहसुन प्याज के बनी है, वैसे तो कढ़ी में मैं प्याज नहीं डालती थी पर लहसुन डालती थी, पर आज भी ये इतनी टेस्टी हो रही है ना। सो फ्रेंड शाम का टाइम है और मैं हो गई हूँ रेडी कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ सामान लाना है तो इसलिए तैयार हो गई। एंड यहाँ पे नेगी जी दिया करके जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई है और बाहर जा रहे हैं तो हम सोच रहे दिया करके जाते हैं। गाइस आज मैंने बाहर जाने से पहले शूज पहने हैं। पता है आपको शूज क्यों पहने? मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि ज्यादा सैंडल पहनो और उसका नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत हार्ड होता है सैंडल्स का, तो ज़्यादा देर खड़े रहने में पैर बहुत दर्द कर जाते हैं बहुत बार। और यार और उस दिन हम लोग बाहर गए थे ना तो हम पूरा दिन खड़े थे, तो मैंने गलती कर दी कि मैं शूज़ पहन के नहीं गई, मैं सैंडल पहन के चली गई और पूरा दिन सैंडल में घूमना ना भाई आफत हो गई मेरे लिए। तो आज मैंने ना इसलिए जूते पहने, क्योंकि जूतों का नीचे का जो फॉर्म होता है थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा कॉम्फी कॉम्फी सा होता है तो ईजी रहता है। और नेगी जी की बातें ना सुननी नीचे, फालतू बोलते रहते हैं यार, जी के सिर कभी में, पेट में पाँव में हर जगह दर्द होता रहता है। अब होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग तो लिफ्ट में आ गए हैं और प्रिया और कृष्ण भी हमारे साथ जा रहे हैं, आज हम दोनों ब्लैक ब्लैक से कॉम्बो मैचिंग। सो देखते हैं, हमने ना वन भी दबाया कि वो लोग चढ़ते नहीं चढ़ते लिफ्ट में इसी वाले। गाइस 4, 3, 2, 1, वैसे तो वो इसी वाली लिफ्ट से आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो नहीं है। प्रिया गाइस, प्रिया ने मुझे बोला था कि तो
तुम जब लिफ्ट में चढ़ो ना हमें बता देना। मैंने बता दिया बट वो अभी तक आई नहीं है। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हम वेट कर रहे हैं। गाइस क्रिशु भी आ गया, हेलो कर दो। हेलो हेलो गाइस। प्रिया भी आ गई। नो बेटा उसमें नहीं लगाना फोन। अब चलते हैं, पहले इसको पकड़ दियो फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं डी मार्ट में और यहाँ पे मुझे ये जो चार बॉक्स का सेट दिखा है ना ये तो मिला पर और नहीं मिल रहे हैं मुझे ये। पर ऐसे और नहीं मिल रहे। अरे होंगे पूछना, थोड़ी एक ही होगा। और कृषि यहाँ बैठती हटना, चिप्स ही खाने लग गया है, तब जाके शांत बैठा भाई। सो फ्रेंड्स मैंने दूसरे बॉक्सेस पसंद कर लिए थे एंड यहाँ पे मैं कलर्स ले रही हूँ बच्चों को देने के लिए, इससे पहले ये भी ख़त्म हो जाए ऑप्शन। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं देख रही थी लोग काफ़ी सारे कलर्स लेकर जा रहे थे, क्योंकि देखो आजकल सबको कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने की लगी रहती है। तो मैंने भी जल्दी से वो ले लिया और प्रिया ने भी कुछ कलर्स लिए हैं एंड यहाँ पे कृषिफ अलग से अपनी मस्ती करते हुए, और प्रिया ने कहा यार मैं भी ले लेती हूँ बच्चों के लिए कलर्स, तो वो भी देख रही है कि उसे कौन से कलर्स लेने हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद डी मार्ट में ना काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें ज़्यादा सामान तो लेना नहीं था, थोड़ा बहुत जो लेना था वो हमने लिया और जल्दी से बिल कराया, क्योंकि कृषिफ भी हमारे साथ था एंड छोटा बच्चा जाता है तो उसके साथ थोड़ा सा घूमने में आपको ये परेशानी होती है कि बच्चे को देखना पड़ता है बार बार, तो आप खुले हाथ से नहीं घूम सकते हो। तो यहाँ पे कृषिफ मौसा जी के साथ खेल रहा है, अपना रोड रोलर उनके ऊपर चला रहा है एंड उसे बहुत भूख लगी है, बोल भी रहा था मुझे भूख लगी है। सो हमने कहा चलो फिर ऊपर मैकडी है, डी मार्ट के ही ऊपर इंद्रपुरम वाले में ना मैकडी भी है, तो हम लोग वहाँ चले गए। एंड किसी का बर्थडे भी था वहाँ पे, तो कृषु उनके बर्थडे में अनइनवाइटेड गेस्ट बन के गया था, उन्होंने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, उसको केक भी दिया एंड अच्छा लगा। अभी भी ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं बच्चे आते हैं तो, क्योंकि बच्चों को आप कहीं जाने से नहीं रोक सकते हो। एंड उन्होंने उसे बैलून्स भी दिए थे तो वो बड़ा हैप्पी था और हमें भी अच्छा लग रहा था। चलो अब बच्चे को आप रोक तो सकते नहीं हो, बड़े बड़े बच्चों का बर्थडे था वैसे तो। अपना वजन नापता हुआ एक इंसान चुपचाप से। तुम्हारा वजन मुझे पता है। आ जाओ ये रखते हैं पहले सामान। गाइस कल हम डी मार्ट गए थे और हम इतना मतलब सिर्फ स्नैक्स वाला सामान लेकर आए ना, सूजी वूजी भी लेकर आए, पहली बार मैं कोई दूसरी सूजी लाई हूँ, पता नहीं कैसे होगी। जी ने आज फुल बॉडी चेकअप के लिए घर पे बुलाया है किसी को, सो अभी वो आने वाला है सैंपल लेने के लिए, तो वो ब्लड सैंपल वगैरह। और यहाँ पे सारा सामान है जो हम कल डी मार्ट से लाए थे। सो थोड़ा बहुत सामान लेने गए थे, जो कुछ कुछ चीज़ें थी ख़त्म हो गई थी, बट उस थोड़े बहुत सामान के साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ले आए हैं जो हमें लगा कि यार कभी कभार चलती हैं, स्नैक्स वगैरह टाइप्स वाली। आ जाओ अब क्या ढोल बजाऊंगी, आओ यार जल्दी आओ। गाइज ये हमारी ग्रोसरी वाली अलमेरा, यार ऊपर नमकीन है पति, बिस्किट इस साइड है। ओ माय गॉड, उसको आगे की तरफ कर दो, वो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना सारा राशन पानी रखा हुआ है। हटने एक बार, ये पूरा ए टू जेड हमारा राशन पानी की अलमेरा है और नीचे आपका सारा वो जो क्या कहते हैं तेल, हारपेक, डेटॉल, क्लीनिंग और जो ऑयल वगैरह यूज़ होता है वो सब, मतलब हमने सारी चीज़ों का सेक्शन बांटा हुआ है। वैसे बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स नेगी जी ने ना मॉर्निंग का ही स्लॉट बुक कर दिया था फुल बॉडी चेकअप का रिसेंटली, क्योंकि हम दोनों को ही फीवर हुआ था तो थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। नेगी जी ने कहा कि मैं फुल बॉडी चेकअप करवा लेता हूँ, मुझे उसी में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैंने तो करवाया ही था अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए मैंने दोबारा नहीं करवाया। एंड ये भी बहुत सहूलियत होती है कि अब आप अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो आप घर पे भी बुला सकते हैं फुल बॉडी चेकअप के लिए, उसमें भी कुछ कुछ जो मेन टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि आज मेरा कोई चेकअप नहीं हो रहा था तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले ली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि आप लोग भी इजीली घर पे भी बुला सकते हैं अगर आपको बाहर नहीं जाना है किसी चीज़ के लिए या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो इजीली आप घर पे बुलाकर अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। गाइस यहाँ पे देखो क्या है, गांव की ककड़ी। सो अभी हम खाएंगे ककड़ी। सो मैंने यहाँ पे खीरे तो काट लिए और इसके बीज बड़े मोटे मोटे हैं यार,
अब इसमें नमक डालूंगी और खाऊंगी। ये जो पहाड़ी नमक होता है ना, इसका स्वाद ही अलग होता है। तो गाइज एक सरप्राइज हमारे घर आ गया है, एंड सरप्राइज से भी मैं आपको मिलवाती हूँ। सरप्राइज मुझे धीरे धीरे घूर भी रहा है। आज आप सोचोगे कृषिव है, आज कृषिव नहीं है। कौन है आज? कौन है आज? कौन है? कौन है? ये है एकांश। ये तो ना सहम सा गया ना मुझे देख के, ये मुझे बिल्कुल भूल गया है। और एकता, आज एकता अकेले पहली बार लाई है एकांश को। कैसा था वो जो छोटा सा रास्ते की जर्नी थी, वो कैसी थी इसके साथ? अरे आज तो बहुत सुस्त होके आ रहा था, सो के उठ के आया था ना, तो मैं पूरे रास्ते में ही सही देख रही थी। वरना तो ये बहुत एंजॉय करता है ना चीजों को, बच्चे देखते रहते हैं। और ई रिक्शा में हमको भी बैठते नहीं है, तो ई रिक्शा में ही दूसरी बार बैठा है आज। अच्छा, कह रहे मम्मी साथ साथ खाना भी खिलाते रहे बात कर। ये कुछ और मांग रहा है, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए आपको? आपको पहले हमको बताना पड़ेगा। बोलो, बोल के बोलो। बनाना? तो एक तो ना फुल पैकिंग के साथ आइए, एकांश का सारा सामान लाइए, खाना भी लाइए। खाना यहाँ पे भी बन सकता था वैसे इसके लिए, तो ओट्स वगैरह। तो आज पहली बार बाहर निकल के इतने टाइम बाद कैसा लग रहा है? आदत होती है, समझ आती है चीजें। और एक्चुअल में इसको भी हैंडल करना आएगा इजीली, और इसको भी आदत होगी, है ना? ना मेरा गवलू है। ये गाइस मुझे भूल गया है, अभी थोड़ी देर बाद फैमिलियर होगा तो खेलेगा। ओ ये क्या था, इसने मुझे बंदूक तो नहीं मारी? धीरे शुरू हो रहा है। सो गाइस पहले एकता आई थी, फिर प्रिया आ गई है, और प्रिया गेट के बाहर से ही मुझे कॉल कर रही थी। मैं समझ गई थी जैसी घंटी बजी, हेलो गाइस। नहीं बोले यार, जब इन बच्चों को बोलने के लिए बोलो तभी नहीं बोलेंगे। इसको देखो कितनी खुशी हुई, धन 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 रे। देखो अब आप ये वाली चलाओगे, भैया वो वाली चलाएगा। ओके चलाओ दोनों यहाँ पे वन वन करके अपनी अपनी कार्स। ये गाइज इसको गढ़वाली गाने ना बहुत पसंद है, इसने आज हमारे को बहुत अच्छी अच्छी वो करके दिखाई है चीजें। ये गाइज शाम की आरती मेरी हो गई है, और ये गूगल ना मेरी बात बहुत बार मानता नहीं है, गाने बजाता रहता है माता रानी के। एंड यहाँ पे बेबी और बेबी की मम्मी रेडी हैं जाने के लिए घर। आज हमने बड़ी मस्ती करी ना, कृषिव भी आ गया था, कृषिव इसे छोटा भैया बोल रहा था, और ये कृषिव को दादा के लिए दिखा रहा था अपनी हैं बड़े भैया के साथ, बड़े भाई से छीना झपटी कर रहा था। हाँ कि मुझे दे गाड़ी। वो बेचारा सहम गया, उसको थोड़ा छोटे बच्चों को पीटना पसंद नहीं है, फिर वो कह रहा था ले छोटे भाई ले ले। उसने फिर दे दिया अपने खिलौने भी। अच्छा बच्चा है वो एकांश, ये शैतान बच्चा। एकांश बाय 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 टाटा। गाइस देखो कितनी जल्दी टाटा कर रहा है। हाँ टाटा सब बच्चों की फेवरेट चीज, बाय बाय टाटा ही होती है। अच्छा एकांश टीवी का है, ये रहा फैन का है, वो रहा एसी, ये रहा। गाइस इसमें सब ढूंढ लिया है कि कहाँ पे क्या क्या है। ओ माय गॉड ताईजी यहाँ पे, मतलब बच्चे ने इतनी जल्दी स्कैन किया ना क्या क्या चीजें कहाँ पर है। अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में देखना मुश्किल होती है, अपने घर का तो पता होता है सबको। जैसे इसने ये वाला एसी अपने घर में नहीं देखा, हमारे यहाँ विंडो एसी है ना, पर इसको यहाँ पता लग गया कि ये एसी है। हाँ कैसे ठंडी हवा। तो चलो अब ये लोग जा रहे हैं, मैं इन्हें नीचे छोड़ने जा रही हूँ, फिर मैं मम्मी के घर जाऊंगी। ओके बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। गाइस ये देखना बटन दबाने में लगा हुआ इसके। वन मोर टाइम भाईचारा। आहा ये गाइस जाते जाते भी मिल गए हैं। चलो बाय कृषि, पार्क में मिल गए। बाय टाटा, टाटा कर दो भैया को, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं आ गई मम्मी और उनके घर में,
और अब आपको दिखाती हूँ आज पहले एकता ने आके सरप्राइज दिया और यहाँ पे क्या क्या सरप्राइज है। गाइस मम्मी शैंकी सॉरी प्रिया चाचा, सो यहाँ पे चाचा है सौरभ की छुट्टियों का आनंद देने के लिए उसको कि कुछ दिन सौरभ इधर रहेगा ताई जी के साथ फिर हमारे यहाँ आएगा। बुकिंग फुल है सौरभ की, अगर आपको किसी और को भी बुकिंग करवा रही है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। प्रिया हेलो हेलो हाय गाइस कृषि बोलते हाय गाइस हाय गाइस। सो गाइस हम लोग अभी अभी बैठे, चाचा ने चाय पी ली है और इन्होंने भी अभी आते हुए मंडी से कीड़ों का सामना किया है। कैसे कीड़े थे पैरों पे चिपक गए मेरे पूरे भाई, कल मैं मंडी में सिर ऊपर नहीं कर पाई इतने कीड़े थे। आज मुझे पता तुम कैसे आए होंगे। और यहाँ पे ना गांव की वीडियो चल रही है मम्मी की, तो चाचा आप देख रहे हैं गांव के खेत वे तब। आज पहले एकता ने आके सरप्राइज दिया, उसके बाद चाचा और शौर्य एंड मैं भी नीचे आ गई हूँ क्योंकि नेकी जी ऑफिस गए हैं। सो वो लोग वो आएंगे लेट तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जल्दी से। सो गाइज वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है। आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाय बाय बाय, ऐसे करो वेव करो हाथ को बाय।